हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिया गुल किचन। आज मैं बना रही हूँ पनीर विद कैप्सिकम ग्रेवी। तो पनीर विद कैप्सिकम ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और साइड पर लिख भी लिए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लें। अब मैं यहाँ लूँगी अपना चॉपर, इसके अंदर मैं चॉप करूँगी गार्लिक, जिंजर और चिली। इसे फाइन चॉप कर लेना है। फाइन चॉप करने के बाद मैं यहाँ लूँगी कढ़ाई, इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे के साथ मैं डालूँगी फाइन करे हुए गार्लिक, चिल्ली और फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से घुमा लेना है। यहाँ पे मैंने डाली हूँ टमाटो प्योरी और साथ में सूखे मसाले डाली हूँ। अब मैं अपने हिसाब से नमक डाली हूँ। इसे अच्छी तरह से घुमा लेना है और अच्छे से पका लेना है। अब मैंने साइड पर फ्राई पैन पे ली हूँ पनीर और कैप्सिकम, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही मेरी ग्रेवी यहाँ पर थिक हो जाएगी, तो मैंने जो साइड पर पनीर और कैप्सिकम फ्राई करी हूँ वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मेरे बारबेक्यू हो चुके पनीर और कैप्सिकम अब मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। और डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से घुमा लेना है। पनीर और कैप्सिकम कढ़ाई के अंदर डाल के हमें 5 मिनट तक का इसे अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहे तो इसे ढक के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही भूनूंगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप इसे रख सकते हैं। मैंने इसे भून लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।